Hey guys, what's up? कैसे हो आप लोग? एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया। बस कभी मैं हूँ कॉलेज में और अभी हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग है। अभी हमारे टीचर मतलब इस टाइम हमें पेशेंट को देखना होता है। लंच के बाद हमारी पोस्टिंग होती है, तो अभी कोई भी पेशेंट आया नहीं है, इसलिए अभी हम लोग बैठे हुए हैं। बाकी यहाँ हम देख रहे हैं सब कुछ है, पैर का फ्लेक्शन वगैरह करने के लिए है। तो अभी कोई पेशेंट आएगा, फिर उसके ऊपर अगर अप्लाई होता है तो मैं दिखाऊंगी, वरना बैठना पड़ेगा हमें 2 घंटा। मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, इसलिए और भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो पेशेंट भी नहीं है, ऊपर से फ़ोन भी चार्ज नहीं है, तो अच्छा बैठे रहो। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग? एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया। दोस्तों आज की दुनिया में आपका सब सभी का स्वागत है। हमारी दुनिया में स्टार्टिंग में बहुत कम रहते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में आज बहुत ही स्पेशल बन रहा है, जो कि सबका स्पेशल है। वैसे चिकन तो हम खाते हैं, नॉन वेज से रिलेटेड है, तो आज हमारे किचन में बन रहा है। एक्चुअली हुआ क्या गाइस, उस दिन फिश जब बना था तो निशा एक ही पीस खा पाई, क्योंकि हम सबको लगा कि निशा खा चुकी है। बाद में पता चला निशा खाई नहीं थी, क्योंकि बनाते बनाते मन भर गया था ना। तो आज मैंने बोला कि नहीं निशा, आज निशा उस दिन चिकन नहीं कहते, इस टाइम पे जो भी मन करे ना प्रेगनेंसी में वो खा लेना चाहिए। जो मैंने बोला कि चलो, तो बच्चों का वो लाट पकने लगता है, ऐसा होता है। मैं भी कभी पूछती हूँ ना कि कुछ कुछ खाने का मन है तो आप बताइएगा, फिर चलते हैं। बाकी यहाँ जेरी भी सो रहा है, जेरी ऐसे आदमी की तरह बिहेव करते हैं। गाइस, तो जब तक मैं कुछ काम वाम कर रही थी, शूट कर रही थी, वीडियो शूट करना था, तब पर निशा भी फटाफट यहाँ पे उस चीज़ को ट्राई कर दी। और उस दिन की चीज़ खाई थी, प्रेगनेंसी में सब कुछ खा लेना चाहिए। मैं एक बार और पूछी थी, आप थोड़ा थोड़ा, हाँ मतलब अगर जो चीज़ मन करे ना वो खा लेना चाहिए। अभी यहाँ पे निशा भी फीस ट्राई कर दी। आप लोग सोचते हो कि फीस जब आता है तो निशा बिल्कुल बनाती है, क्योंकि वो इनके जो भैया हैं उनको बंगाली तरह से खाना अच्छा लगता है। लेकिन ये पता नहीं बंगाली तरीके से बनाती है, नहीं मेरे को ऐसा तो हम लोग के घर में बनता है ना। हाँ, लेकिन बंगाली तरीके से कैसे बनता है वो थोड़ा अलग टाइप से बनता है। कच्ची वाली मिर्च में और जीरा मरीच का भी बनता है, सरसों मसाला है ना। अच्छा, वो मछली आता है ना जो पूरा बिना काटे बनता है, छोटा छोटा सा वो सब बनता है। ये थोड़ा सा बंगाली टाइप का लगता है वो। अभी यहाँ पे फ्राई हो रहा है फिश। अभी इस बार का जो फिश है वो काफी अच्छा है ना, मैंने देखते ही बोला। और पता है गाइस, पिछली बार क्या, अभी 2-3 दिन पहले ही बना था हमारे बर्थडे वाले दिन। तो उस दिन जब फिश बना था ना, मैं ये मसाला को पीस रही थी, ठीक है, और उसमें ज्यादा हो गया था। एक ही बार पूरा कपड़े पे गिर गया, इसी बार कितना दूर थी उनके भी बाल वाल पे लग गया था। तो अभी भी हम जा रहे इसका, अरे यार मैं बाल भूल गया अपने आप। अभी हम जा रहे फटाफट मसाला पीस लेते हैं, क्योंकि मछली फ्राई हो जाता है उसके बाद मसाला ही भूजना होता है, उसके बाद तो तैयार हो जाएगा। जब तक मसाला भूजने में जितना टाइम लगे, तो मसाला में क्या क्या है ये? मसाला में तो पीसने वाला है, बाकी पाउडर है सब डालेंगे। ये लहसुन है, सरसों है और काली मिर्च है, बाकी और भी पाउडर लाते हैं ना, धनिया, हल्दी, नमक, धनिया और मिर्च। बस ये तो चिकन नहीं है, इसमें गरम मसाला लगाएगा इसलिए। और इसमें ये सब अभी मसाला पीस लेते हैं, बाकी मसाला यहाँ पे रुका हुआ है, तो अभी फटाफट जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मिस राजदूत फिश फ्राई हम खाएंगे, उनके ले जाते हैं। ठीक गाइस, तो यहाँ अभी चावल बैठ गया है, इसमें चावल और फिर इसमें भी चावल। अभी थोड़ी देर में दोनों में चावल डालेंगे। बाकी यहाँ मसाला एकदम पिसा गया है, इसमें सरसों इतना गर्म हो गया था कि मैं हाथ छोड़ दी और ये थोड़ा थोड़ा नीचे भी गिर गया है, देखिए ना भर गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है छोटा वाला नमक पीसते हैं, इसलिए। तो अभी फिश पूरा फ्राई हो गया है, ओह माय गॉड। फिर यहाँ पे तेल डलाएगा, फिर मेथी वगैरह डाल के मसाला डलाएगा। अब तक हम जा रहे हैं चावल धो देने, उसमें डालना है। बाबू सोया है, लेकिन हम इसको फिर भी हंसा के दिखाते हैं आप सभी से। ना ना ना, हाँ जो तो बेटा
जोर से हंस दीजिए, हंसी का लड्डू ये बब्बू हाँ तो थोड़ा सा बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ऐसे कर दो भाई, भाई बहुत गुस्सा हो रहा है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो थोड़ा सा बेटा, भाई 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 क्या कर रहे गिल खाते हैं बाबू। गाइस तेरी पूरा घर बिखरा हुआ है। आज मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं घर को साफ सफाई करूं, इसलिए बस झाड़ू पोछा क्यों आप लोग देख रहे हैं। और अभी मार्केट जाना है, मार्केट से कुछ सामान लाना है, तो मैं सोच रहा हूँ जाऊँ मार्केट।